अरे बेटा आपने दूध नहीं पिया, अरे बेटा आपने खाना नहीं खाया, ये वेजिटेबल क्यों नहीं खाया भाई, ये सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं, ये सब्जी भी खाना है। ऐसा बहुत ज्यादा सवाल, बहुत ज्यादा एडवाइस हम सभी लोग सुनने वाला है, सही है कि नहीं? चलो शुरू कर लेंगे चैप्टर नंबर वन, फूड, वेयर डज इट कमिंग फ्रॉम। ये चैप्टर में सारा सवाल का आंसर हम फाइंड कर लेंगे। आर यू रेडी? सो ध्यान से सुनिएगा, दिस इज मी शिमोन सर, वेलकम टू लर्निंग वाइब्स। डियर फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर वन स्टैंडर्ड सिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाला है, फूड एंड वेयर डज इट कमिंग फ्रॉम। अरे खाना कहाँ से आया? बोलेगा मम्मी ने रसोड़ा में बहुत ज्यादा काम हमारे लिए कर रहे हैं, इसलिए हमको बहुत ज्यादा खाना मिलता है। वेरी गुड। सो ये सब्जियां कहाँ से लेके आते हैं? अरे मैम मेरे पापा ने जाके दुकान से लेके आते हैं। सो बहुत ज्यादा सवाल का आंसर हमारे पास है। सो अच्छी तरह हम जानने वाला है रियली ये फूड कहाँ से आने वाला है। ओके सो उसके पहले मैं आपके साथ एक बढ़िया एक्शन डिस्कस करने वाला है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके एक क्लब का नाम है रॉकेट क्लब। रॉकेट मतलब आप सभी लोग जानते हैं ये ऊपर की तरफ जाता है, राइट? ओके सो आई विल शो द स्टेप्स, आफ्टर दैट यू कैन रिपीट विद मी। सो वन टू थ्री, ओके वन टू थ्री फोर, इतना किया तो हमारा एक्शन पूरा हो जाएगा। सो वंस अगेन, हाँ ये क्लब करने के तरफ आप क्या भी करेगा, ऐसा आवाज भी करना है, एकदम मजा आएगा भाई, देख लेगा। हमारा रॉकेट ऊपर गया, इसके साथ हमारा जो भी टेंशन है, एंग्जाइटी है, जो भी परेशानी है, सब कुछ हम बाहर भेज दिया। अभी आप सभी लोग फ्री है, सो मेरे साथ आप लोग ये एक्शन करके देख लेना, आपके छोटा भाई को भी सिखाना। ओके मजा करो, एंजॉय करो, साथ में पढ़ाई भी करो। ओके नॉर्मली व्हाई वी आर ईटिंग द फूड, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, मम्मी ने आके सुबह बोलते हैं, दोपहर को बोलते हैं, शाम को बोलते हैं, बेटा ये खाओ वो खाओ, व्हाई दे आर दैट मच वरीड अबाउट फूड, अपने बच्चे के लिए इतना खाना क्यों खिला रहे? हाँ मेरा भी एक छोटा बेबी है, उनको भी हम लोग सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खिलाने का कोशिश करता है। इवन वी ऑल्सो ईटिंग द फूड, व्हाट इज इट नीड, द पॉइंट वाइज आई एम राइटिंग हियर, यू कैन चेक इट देयर। द फर्स्ट वन, इट हेल्प अस टू ग्रो। अरे वाह, फूड से हमारे ग्रोथ बढ़ने के लिए मौका मिलता है, डेफिनेटली यस। अब खाना खाने की वजह से हमारा बॉडी बढ़ने का, ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प अस टू गिव, अदरवाइज गिव अस एनर्जी, कैन शो लाइक मी, ओके मैं जो करना है ऐसा आप भी कर सकता है, यस इट गिव अस एनर्जी। सो एनर्जी का मतलब कि आप जो भी काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए ना। सो मैं एक बच्चे को बोल रहा हूँ, बेटा मेरे साथ आओ थोड़ा सा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, डू यू लाइक क्रिकेट, अदरवाइज फुटबॉल खेल लेंगे, जो भी है आपको जो पसंद है कर लेना। सुबह आप सुबह से शाम तक कुछ खाना नहीं खाया, दो दिन से आप फास्टिंग में है या आपने कुछ खाना नहीं खाया, तो आप कर पाएगा, आप खेल सकता है? नो, दैट मींस यू आर लैकिंग एनर्जी, हमारे बॉडी में एनर्जी कम बढ़ रहा है इसलिए। सो एनर्जी, जो आदमी के पास एनर्जी है, फूड खा रहे प्रॉपरली, इनफ अमाउंट में फूड खा रहे, पानी पी रहे, तो उनके बॉडी में क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी होगा। वो फूड का क्या पार्ट से आ रहा है, हम लोग सेकंड चैप्टर में लर्न करने वाला है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। ओके तो थर्ड वन, इट हेल्प अस टू फाइट विद डिजीज। अभी आज का टाइम में आप सभी लोग बताए आपको विटामिन सी है ना, वेजिटेबल बहुत ज्यादा हमको खाना है, फ्रूट्स वगैरह हमको बहुत ज्यादा खाना है, क्यों? वी कैन फाइट विद डिजीज, कोई भी बीमारी हमारे बॉडी में आने के टाइम उसमें से लड़ने के लिए है ना, हमारे बॉडी में क्या चाहिए, यस फूड आइटम्स है ना, फूड आइटम्स हेल्प अस टू फाइट एगेंस्ट डिजीज। होप यू अंडरस्टूड दिस थ्री पॉइंट, मेन थ्री पॉइंट नीड ऑफ फूड। द फर्स्ट वन, इट हेल्प अस टू ग्रो, यू कैन एक्ट लाइक मी, मैंने जो कर रहा है ऐसा करके देखिए मजा आएगा, इट हेल्प अस टू ग्रो। द सेकेंड वन, इट गिव अस एनर्जी, जो भी करने के लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए ना, सो एनर्जी फूड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन, इट हेल्प अस टू फाइट विद डिजीज, बीमारी से लड़ने के लिए हमको मदद करता है। होप यू अंडरस्टूड दैट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो द क्वेश्चन इज दैट फूड वेयर डज इट कमिंग फ्रॉम, चलो देख लेंगे। मम्मी सब आपको चपाती लाके देते हैं ना,
चपाती पसंद है? Yes. Even I also like that. मुझे भी बहुत पसंद है. ऐसे तो हमारा चपाती कैसे बनता है? How many of you like to make the chapati? Yes, you know that, right? So chapati कैसे बनता है? अब बोलेगा सर इसके लिए आटा चाहिए. आटा हम लोग ऐसा पानी डाल के या ऑयल डाल के अच्छा तरह हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अलग अलग शेप डफ बनाना है, इसके बाद हम लोग चपाती बनते हैं. सो ये आटा कहां से मिलेगा? क्या चीज है ये आटा कहां से मिलता है? अब बोलेगा सर ये वाला हमारा गेहूं गेहूं काट करने के टाइम में ओके वीट प्लांट से आता है. ओके वीट प्लांट से आता है ना. से वीट प्लांट कैसे गेहूं बनाते हैं या वीट बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस. सर याद आया फोटोसिंथेसिस. यस माय डियर फ्रेंड्स. सो व्हाट आई मीन टू से इज अल्टीमेटली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी फूड. आप कुछ लोग बोले सर नॉन वेजिटेरियन मुझे बहुत पसंद है. ओके नॉन वेजिटेरियन लाइक एक हेन के बारे में बात करें, मुर्गी के बारे में. मुर्गी को खाना कहां से मिलेगा? बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स इवन द राइस वीट ये सारा चीज मिलता है. ये राइस और वीट कहां से? वीट प्लांट और राइस प्लांट से मिलता है. सो बेसिकली वी कैन से दैट ऑल द फूड आइटम्स दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स. सो प्लांट्स को हम लोग एक बढ़िया निकनेम देने वाला है द प्रोड्यूसर. अदरवाइज वी विल से ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स और हम लोग बोलने वाला है प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज गॉड गिफ्टेड देम. हम लोग बोलते हैं ना हमारा अरिजीत सिंह है ना. सो ऐसा हमारा बहुत ज्यादा म्यूजिशियंस है. दे आर रियली गिफ्टेड है ना. उनका जो टैलेंट है गिफ्टेड है. सिमिलरली हमारा प्लांट्स का एक गिफ्टेड टैलेंट गॉड हैज गिवन ए गुड टैलेंट टू देम दैट इज टू मेक द फूड. दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड. ये सारा दुनिया के लिए खाना बनाना वाला कौन है? हमारा प्लांट्स. सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में किसी को भी कुछ डाउट लग रहे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगले वीडियो में मैं उसका जवाब देने का कोशिश करता हूँ. और आपका सजेशंस आपका ओपिनियन आज का वीडियो के बारे में क्या है ये भी कमेंट में लिखिएगा. और हम बढ़िया मेथड में ये टॉपिक आगे लेके जाएगा. दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो. आने वाले दिन में हम लोग सेकेंड पार्ट भी अपलोड करूंगा. और टॉपिक में हम लोग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर फूड हैबिट एंड द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट वी आर ईटिंग एज अ फूड एंड प्लांट्स प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेगा. तब तक खुश रहिए स्टे सेफ एज वेल एज इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो अब सब्सक्राइब करने का ना भूले और बेल आइकन इनेबल करें. तो टिल देन माय डियर फ्रेंड्स बाय बाय.